हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग वर्जन एंड्रॉयड 11 की FRP कैसे निकालते हैं, तो देखते हैं पूरी वीडियो शुरू से एंड लास्ट तक। दोस्तों वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अपना फ़ोन जो है वाईफाई नेटवर्क से आपको कनेक्ट कर लेना है। तो मैंने अपना फ़ोन जो है वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के बाद जैसे ही हम इसे नेक्स्ट करते हैं तो ये जो फ़ोन हमारा पैटर्न लॉक मांगता है, और दोस्तों ये गूगल अकाउंट मांगता है, इससे आगे हमारा फ़ोन नहीं बढ़ता है। तो अब सबसे पहले करना क्या है मैं दिखाता हूँ, मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों ये जो फ़ोन है गूगल अकाउंट मांगता है, इससे आगे हमारा फ़ोन नहीं बढ़ता। तो मैं इसे सबसे पहले बैक कर लेता हूँ। तो बैक करने के बाद दोस्तों करना क्या है इसमें, आज भी इस वीडियो में हम बिल्कुल नया तरीका आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है इसमें, ऑन ऑफ वाला बटन और वॉल्यूम प्लस वाला बटन आपको दबाना है, यानी कि अपने फ़ोन का जो है टेल बैक वो ऑन करना है। तो मैं अपने फ़ोन का जो है टेल बैक ऑन कर लेता हूँ। एक बार आपको दबाना है वॉल्यूम प्लस और पावर की, फिर इसे यूज़ पे क्लिक करना है। फिर दोस्तों दोबारा कर लेता हूँ, अभी टेल बैक जो है ऑन नहीं हुआ। तो आपको करना क्या है, यानी कि पावर वाला बटन और वॉल्यूम प्लस वाला बटन, दोनों बटनों को आपको एक साथ दबाना है, ये टेल बैक ऑन हो जाएगा। देख सकते दोस्तों टेल बैक जो है ऑन हो चुका। अब ऑन होने के बाद दोस्तों करना क्या है, नीचे से यानी कि ऊपर को एल बनाना है। देख सकते दोस्तों ये मैं बना लेता हूँ यहाँ से, तो ऐसे आपको करना है स्क्रीन पर। ऐसे करने के बाद दोस्तों ये आपको ये आ जाएंगे, तीन ऑप्शन आएंगे दोस्तों। फिर यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना है, तो आपको फिर ऊपर जाना है, तो यहाँ डबल क्लिक करना। देख सकते दोस्तों ऊपर जाके आपको डबल क्लिक करना, तो फिर दोस्तों आपको इस तरह का ये जाएगा लिखा हुआ, यूज़ वॉइस कमांड टू कंट्रोल। तो आपको नीचे वाले पे इस पर दो बार क्लिक करना है। देख सकते दोस्तों ये इस पर करना है, फिर अब करना क्या, देख सकते दोस्तों अब जो है फिर ऊपर आपको दो बार क्लिक करना है। अब दो बार क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ आपको बोलना है गूगल असिस्टेंट, मैं आपको बोल लेता हूँ यहाँ गूगल असिस्टेंट बोलना है आपको। तो देख सकते दोस्तों मैंने बोला, और जो हमारे गूगल है वो आ चुका है यहाँ। अब यहाँ आने के बाद दोस्तों अब करना यहाँ अपना यूट्यूब बोलना है हमें, यानी कि ओपन यूट्यूब। यहाँ माइक पे जाना है, माइक पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ बोलना है हमें ओपन यूट्यूब। तो पहले मैं टेल बैक ऑफ कर लेता हूँ, यहाँ से मैंने अपना टेल बैक पहले ऑफ कर लिया। तो टेल बैक ऑफ करने के बाद दोस्तों अब माइक पे क्लिक करना है, माइक पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ बोलना है यूट्यूब ओपन। देख सकते दोस्तों मैंने बोल दिया यूट्यूब ओपन। ओपन होने के बाद दोस्तों खुद ही यूट्यूब जो है वो ओपन हो जाएगा। देख सकते दोस्तों YouTube ओपन हो चुका। पहले क्या था दोस्तों, कंप्यूटर से करना पड़ा करता था हमें पहले YouTube, अब यहाँ YouTube ओपन हो चुका। फिर इधर जाना है, फिर दोस्तों आपको सेटिंग पे क्लिक करना। यहाँ सेटिंग पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ जाना है हिस्ट्री एंड प्राइवेसी में आपको क्लिक करना है। फिर नीचे जाना है आपको, और यहाँ से जाके दोस्तों हमारा जो है क्रोम ब्राउजर वो खुल जाएगा। तो देख सकते दोस्तों बिल्कुल हमारा क्रोम ब्राउजर जो है खुल चुका है। तो इसी तरीके से आपको अपना फ़ोन का जो है क्रोम ब्राउजर खोलना है। तो देख सकते दोस्तों फिर मैं यहाँ चले जाता हूँ सर्च में। सर्च में जाने के बाद दोस्तों एक साइड है, आपको मैं यहाँ डाल लेता हूँ bksmartphone.com। दोस्तों ये वाली साइट आपको डालना है, तो मैं यहाँ डाल लेता हूँ अपनी जो साइट है bksmartphone.com, और सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद दोस्तों सबसे ऊपर वाली साइट bksmartphone वाली को ओपन करनी है। फिर यहाँ गूगल अकाउंट बाईपास 2022 पे जाना है एंड्रॉयड 11। फिर यहाँ जाने के बाद दोस्तों आपको अब सबसे नीचे आना है 10वें नंबर पर। मैं चले जाता हूँ, यहाँ नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ 10वें नंबर पे ओपन सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। तो मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे जो फ़ोन की सेटिंग है वो खुल चुकी है। देखिए दोस्तों हमारे जो फ़ोन है वो बिल्कुल हमारी सेटिंग खुल चुकी है, और सबसे ऊपर ही आपको सैमसंग अकाउंट ऑप्शन दोस्तों आपको मिलेगा। तो अपने सैमसंग अकाउंट पर जाना है, और सैमसंग अकाउंट दोस्तों आपके पास बना होना चाहिए। तो वह यहाँ सैमसंग अकाउंट डाल के यहाँ लॉगिन कर लें। दोस्तों आपका सैमसंग अकाउंट होना चाहिए, अगर नहीं है तो दोस्तों आप पहले बना लें और सैमसंग अकाउंट बना के इसमें लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद दोस्तों इसमें अब क्या है, हमारा जो सैमसंग अकाउंट है वो लॉगिन हो चुका है। यहाँ लॉगिन होने के बाद दोस्तों अब दूसरे फ़ोन की हमें ज़रूरत पड़ेगी। एक सैमसंग का ही फ़ोन होना चाहिए दोस्तों दूसरा, उसे उसकी हमें यहाँ ज़रूरत पड़ेगी, और उसमें भी सैमसंग अकाउंट यही वाला उसमें लॉगिन होना चाहिए। देख दोस्तों ये मैंने सैमसंग अकाउंट इसमें लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद दोस्तों एक फ़ोन की हमें दूसरे की इसमें ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने अब मैं इसे रख देता हूँ, और दूसरा फ़ोन जो है अपना मैं सैमसंग का उसे ले लेता हूँ। तो मैं इसका अपने फ़ोन का मैंने ले लिया, इसका मैं लॉक खोल लेता हूँ। लॉक खोलने के बाद दोस्तों ये जो हमने सैमसंग अकाउंट अभी इसमें डाला है अपने पुराने उस वाले फ़ोन में जिसमें FRP निकालनी थी, तो वही सैमसंग अकाउंट अपने इस फ़ोन में डालना है। तो मैं देख दोस्तों दिखाता हूँ, इसमें मेरा सैमसंग अकाउंट वही डाला होगा। मैं चले आता हूँ इसमें अकाउंट में चले आता हूँ। यहाँ देख दोस्तों यहाँ मेरा जो सैमसंग अकाउंट है वही वाला यहाँ डाला हुआ। दोनों में सेम अकाउंट होना चाहिए दोस्तों। सेम अकाउंट होने के बाद दोस्तों अब करना क्या है, यानी कि एक एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करनी है। तो मैं सबसे पहले प्ले स्टोर पे चले जाता हूँ। तो फ्रेंड्स प्ले स्टोर में आना है। प्ले स्टोर में आने के बाद दोस्तों यहाँ एक एप्लीकेशन है, इसका नाम मैं दे दूंगा। यहाँ ये नाम आपको डालना है,
ये नाम आपको डालना है, और ये वाली एप्लीकेशन दोस्तों अपने फ़ोन में जो है इंस्टॉल करनी है। तो मैं कर लेता हूँ, ये वाली एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल कर ली। मैं देख सकता दोस्तों मेरे में, अगर आपके में नहीं है तो आप कर लें, मेरे में है इंस्टॉल, तो मैं इसे बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद दोस्तों अब करना क्या, आपको अब सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद दोस्तों अब जाना है इसमें अकाउंट एंड बैकअप पे आपको जाना है। फिर दोस्तों बैकअप वाले पे क्लिक करना है। तो आपको अब क्या करना है दोस्तों, जो हमारी एप्लीकेशन है उसका बैकअप बनाना है। तो मैं यहाँ बैकअप पे क्लिक कर लेता हूँ, बैकअप डाटा, यहाँ से फिर चले जाता हूँ दोस्तों यहाँ, फिर इसने अनटिक कर देता हूँ। यहाँ टिक करने के बाद दोस्तों जो एप्स है उस पर ही टिक करना है। फिर दोस्तों बैकअप बनाना है। दोस्तों अब क्या होगा, जो एप्लीकेशन थी हमारी उस एप्लीकेशन का दोस्तों जो हमारे सैमसंग अकाउंट में दोस्तों ये जो है आ जाएगी दोस्तों। फिर हम मैं इसका बैकअप बना लिया बना लूँ पहले। देखें दोस्तों ये बैकअप बन चुका है, बनने वाला है। देख सकते दोस्तों डन, तो यहाँ डन कर देना आपको। अब करना क्या है दोस्तों, इस फ़ोन का भी जो है काम वो हो चुका, बस इतना ही काम पड़ता है दोस्तों दूसरे फ़ोन का। अब करना क्या है दोस्तों, जिसमें FRP लगी हुई है अब इसमें आना है। इसमें आने के बाद दोस्तों नीचे आना है, इसमें अकाउंट एंड बैकअप का दोस्तों ऑप्शन होगा। तो मैं यहाँ नीचे चले आता हूँ, ये रहा दोस्तों। यहाँ जाने के बाद अब करना क्या है इसमें दोस्तों, उसमें हमने बैकअप डाटा करा था, इसमें करना है रिस्टोर डाटा। ये रिस्टोर डाटा पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ एक फ़ोन जिसमें हमने बैकअप बनाया उसका फ़ोन का नाम चुनना है। फिर यहाँ ऐप्स में जाना है। ऐप्स में जाने के बाद दोस्तों यहाँ वही और सब एप्लीकेशन को अनटिक कर देना। बस एक ही एप्लीकेशन को जो हमने उसमें डाउनलोड करी थी उसका ही इसमें बैकअप इंस्टॉल करना है इस वाले फ़ोन में। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे इस फ़ोन में हमारी जो एप्लीकेशन है वाली ये इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद दोस्तों अब आपको बैक कर लेना है। बैक करने के बाद अब आना है, यहाँ बैक कर लेता हूँ मैं। बैक करने के बाद दोस्तों अब जो हमने साइट बताई थी उसी साइट पर आना है क्रोम ब्राउजर में। तो मैं यहाँ आ चुका हूँ, तो मैं इस पर फिर दोबारा से चले जाता हूँ। BK स्मार्टफोन पर जाना है आपको, फिर गूगल अकाउंट बाईपास पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों नंबर वन पे ही एलिसेंस जो एप्लीकेशन है जो हमने अभी वो करी है इस पर आपको क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करते दोस्तों जो हमारी एप्लीकेशन वो इंस्टॉल हो चुकी है दोस्तों, वो यहाँ डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ ओपन होने के बाद दोस्तों इसका अकाउंट आप मेरे पास पहले से ही बना हुआ है दोस्तों, अगर नहीं है तो आप पहले इस पर रजिस्टर कर लें और इसमें दोस्तों अपना अकाउंट और पासवर्ड डाल के इसे लॉगिन कर लें इस वाली एप्लीकेशन को। तो मैं अपना अकाउंट और पासवर्ड डाल के इसे साइन इन कर लेता हूँ। यहाँ फिर साइन इन होने के बाद दोस्तों यहाँ कुछ भी नाम डाल लेता हूँ, नेक्स्ट करना है दोस्तों। यहाँ फिर इसे डिवाइस स्कैनर उसको एक्टिवेट करना है, यहाँ नेक्स्ट। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो देख सकते दोस्तों जो हमारा यो है ये हो चुका है, फिर से आपको फिनिश कर देना। फिनिश करने का दोस्तों अब करना क्या है, ऐप मैनेजर में आपको जाना है ऊपर। तो इसे मैं क्लोज़ कर लेता हूँ। यहाँ क्लोज़ करने के बाद दोस्तों अब यहाँ सर्च में जाना है ऊपर, यहाँ सारी एप्लीकेशन हमारी खुल जाएंगी। तो यहाँ खुलने के बाद अब ऊपर सर्च का ऑप्शन यहाँ मिलेगा, तो इस पर सर्च पे यहाँ नाम डालना है। मैं लिख लेता हूँ, यहाँ मोड लिखना है, मैं सर्विस मोड लिखना है, वैसे मैं यहाँ मोड लिख लेता हूँ, और सर्च कर देना है। तो सर्च करने के बाद इसमें दोस्तों ये सर्विस मोड आ चुका है, तो आपको इस पर ही क्लिक करना है। फिर यहाँ करने के बाद दोस्तों इधर आ जाना है आपको, इस पर क्लिक करना है। फिर आपको अब सबसे नीचे आना है, तो मैं सबसे नीचे आ जाता हूँ। सबसे नीचे आने के बाद दोस्तों नीचे से तीसरे नंबर पर सर्विस मोड पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ क्लिक कर लेता हूँ मैं, यानी कि ADB हमें दोस्तों अपने फ़ोन का ऑन करना है। तो सर्विस मोड पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। फिर दोस्तों यहाँ ओपन करना है, यहाँ ओपन कर लिया मैंने। और दूसरे नंबर पर MTP प्लस ADB दोस्तों इस अपने फ़ोन का जो है ऑन करना है। तो इस वाले पे क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों अब ओके करना है। ओके करने के बाद दोस्तों जो हमारे फ़ोन का ADB होता है वो ऑन हो चुका है। अब ऑन होने के बाद दोस्तों अब इसका जो है FRP हम यानी कि अपने UMT से दोस्तों निकाल सकते हैं, और एक टूल है दोस्तों सैमसंग का उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो मैं अपने इसमें केबिल लगा लिया मैंने। केबिल लगाने के बाद दोस्तों एक टूल है, मैंने उसे ओपन कर लेता हूँ अपने PC में। उसे ओपन करने के बाद दोस्तों इसमें अलाउ का ऑप्शन मांगेगा, तो मैंने अलाउ कर दिया। अलाउ करने के बाद दोस्तों उस टूल से यहाँ फिर आपको FRP पे आपको क्लिक करना है। आप इसे UMT से भी कर सकते हैं दोस्तों, ये टूल आपको मिल जाएगा। इस टूल से भी आप इसकी FRP जो है निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आपको अपने फ़ोन की जो है FRP निकालनी है, और आपके पास कोई सा ही फ़ोन आता है सैमसंग का एंड्रॉयड वर्जन 11 का, तो इसी सेम तरीके से आपको अपने फ़ोन की FRP बड़े आसानी से निकल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो देख दोस्तों ये रिसेट FRP डन हो चुका है। तो डन होने के बाद दोस्तों मैं अपना फ़ोन जो है ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद दोस्तों हमारा फ़ोन बिल्कुल अब जो था पहले जो खुल नहीं रहता वो हमारा फ़ोन जो है अब खुल जाएगा। तो इसका मैं वेट कर लेता हूँ। तो देख सकते दोस्तों हमारा जो फ़ोन है वो बिल्कुल खुल चुका है।
तो इसी तरीके से आपको अपना फ़ोन सैमसंग का फ़ोन जो है सही करना है, तो आपका फ़ोन बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए जो वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।